हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी लाइगर को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी। मूवी की ओपनिंग सीन में हम लाइगर और उसकी माँ बालामणि को देखते हैं, जो बनारस से मुंबई आए होते हैं। बालामणि बनारस में अपनी चाय की शॉप चलाया करती थी और यहाँ मुंबई में भी चाय की शॉप लगा रही थी। एक दिन मल्लेश नाम का गुंडा वहाँ आता है और हफ्ता मांगने लगता है। बालामणि ये सुनकर मल्लेश से लड़ने लगती है। तब मल्लेश लाइगर का कॉलर पकड़ के अपने बारे में बताने लगता है कि वो यहाँ अली भाई नाम के गुंडे का आदमी है। तभी वहाँ अली भाई भागता हुआ आता है, क्योंकि उसके पीछे डैडी नाम के गुंडे उसके पीछे पड़े थे। मल्लेश डैडी के आदमी से डरता था, इसलिए वो अली को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग अली को मारने वाले होते हैं। तभी लाइगर बीच में आकर उन लोगों को फुल एक्शन में मारता है। तब अली भाई लाइगर का थैंक यू करता है और उसका नाम पूछता है। यहाँ हमको पता चलता है कि लाइगर बोलते टाइम हकलाता था। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हम क्रिस्टोफर नाम के मास्टर को देखते हैं, जो अपनी एकेडमी में मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते थे। वहाँ पर बालामणि लाइगर के साथ आती हैं और क्रिस्टोफर मास्टर से कहती हैं कि वो लाइगर को मिक्स मार्शल आर्ट की चैंपियन बनाना चाहती हैं। क्रिस्टोफर मास्टर कहते हैं कि वो लोग फीस सबमिट कर दे और लाइगर को कल से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। बालामणि बताती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, मतलब वो क्रिस्टोफर को फ्री में लाइगर को सिखाने के लिए कहती हैं। ये सुनकर क्रिस्टोफर मना कर देते हैं। तब बालामणि बताती है कि उनको 2004 के चैंपियनशिप में बलराम नाम के आदमी ने क्रिस्टोफर को सेमीफाइनल में हरा दिया था। उसके बाद बालाराम की डेथ हो गई थी। बालाराम और कोई लाइगर के फादर थे। बालामणि बताती है कि उनका सपना अपने पति को चैंपियन बनते हुए देखना था, जो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए लाइगर को चैंपियनशिप जीतते हुए देखना उनका सपना बन गया था। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टोफर मान जाते हैं, पर एक डील करते हैं कि लाइगर को यहाँ रहकर साफ सफाई करनी होगी। जब वो फाइट करने के कैपेबल रहेगा, तब वो लाइगर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और ये भी कहते हैं कि उनको लड़कियों से दूर रहना होगा, साथ ही उसका पूरा फोकस चैंपियनशिप में होना चाहिए। अगले दिन लाइगर फ्लोर पर साफ कर रहा होता है, तभी गणपत और उसके दोस्त लाइगर को चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि लाइगर सही से बोल नहीं पा रहा होता है। लाइगर गुस्से में आकर उन लोगों से लड़ने लगता है। तब क्रिस्टोफर मास्टर वहां आकर लाइगर को अलग करते हैं और अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। इसके बाद एकेडमी जाते टाइम संजू के आदमी और क्रिस्टोफर के आदमी आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को देखकर जलस रहते थे। तभी संजू क्रिस्टोफर पर हाथ उठाने वाला होता है। तब लाइगर बीच में आकर संजू का हाथ पकड़ लेता है, जिससे संजू लाइगर से काफी झिड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम तान्या नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर होती है। तान्या रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे डालती है, क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। एक दिन तान्या कैंटीन में आकर लाइगर का कॉल पकड़ के चिल्लाने लगती है, क्योंकि तान्या के सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव कमेंट करता था। तान्या उसकी टीपी देखकर लाइगर को समझ बैठी, लेकिन लाइगर तान्या को ढकेल कर वहां से चला जाता है, जिससे तान्या को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो अगले दिन उसकी अकेडमी में जाती है, क्योंकि तान्या लाइगर की अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट करना चाहती थी। लाइगर वहां पर फ्लोर साफ कर रहा होता है। तान्या लाइगर को अपने पास बुलाती है। लाइगर तान्या के पास जा रहा होता है, तभी क्रिस्टोफर मास्टर लाइगर को बुला लेते हैं और अपने स्टूडेंट से फाइट करने के लिए कहते हैं। लाइगर उनके स्टूडेंट से काफी अच्छी फाइट करता है। क्रिस्टोफर मास्टर स्टूडेंट की संख्या बढ़ाते हुए लाइगर के पास भेजते हैं, लेकिन लाइगर किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना काफी अच्छी फाइट करता है। ये देखकर क्रिस्टोफर काफी इंप्रेस होने लगते हैं और तान्या भी लाइगर से काफी इंप्रेस हो जाती है। क्रिस्टोफर मास्टर लाइगर को कल से ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। बालामणि को भी कॉल करके ये सारी बात बताते हैं। बालामणि लाइगर को समझा रही होती है कि उसका सारा फोकस चैंपियनशिप में होना चाहिए। तभी तान्या वहां आकर लाइगर को बाहर बुलाती है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए अपना नंबर देती है। इस तरह उन दोनों में प्यार होने लगता है। एक दिन तान्या अपने दोस्तों के साथ मंदिर में रील बना रही होती है। वहां पर बालामणि भी रहती है। बालामणि उन लोगों के आधे अधूरे कपड़े देखकर भड़क जाती है और उन लोगों की बहस भी हो जाती है, जिसमें बालामणि तान्या को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां पर लाइगर आकर बालामणि को ले जाता है। बाद में तान्या लाइगर को कॉल करके बताती है कि उसको नहीं पता है कि वो उसकी माँ है, और अपनी क्लब पार्टी में लाइगर को बुलाती है, जहां पर लाइगर अपने फ्रेंड गणपत के साथ वहां जाता है। गणपत को वहां टॉयलेट लग जाती है और वो वॉशरूम में संजू को किसी लड़के को मारते हुए देख लेता है, इसलिए वो डरने लगता है। तब वो लाइगर को अपने साथ वॉशरूम ले जाता है। तभी तान्या वहां आकर लाइगर को ले जाती है। लाइगर तान्या को बताता है कि वो हकलाता है। तान्या बोलती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब कोई आदमी संजू को बताता है कि तान्या किसी लड़के के साथ है। संजू और तान्या भाई बहन थे। जब तक संजू वहां पहुंचता, तब तक लाइगर वहां से चला गया था।
वहां से आने के बाद संजू तान्या से पूछता है कि मैंने तुम्हारे रील में किसी आदमी के शोल्डर को देखा था। इस तरह संजू उस आदमी के बारे में पूछता है। तान्या लायर का नाम नहीं बताती है, बल्कि वो कहती है उसके साथ गणपत था। संजू अपने आदमी के साथ जाकर गणपत को बहुत मारता है, और जब गणपत ट्रेन में अकेला होता है तो संजू के आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर लाइगर आता है और उन लोगों को बहुत धोता है। ये सब एक पुलिस वाला देख लेता है और लाइगर को पुलिस स्टेशन में लाकर जेल में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ आकर क्रिस्टोफर मास्टर लाइगर को छुड़वा लेते हैं और एकेडमी लाकर लाइगर को बहुत मारते हैं, क्योंकि उनको तान्या वाली बात पता चल गई थी। जब ये बात बालामणि को पता चलती है तो वो भी लाइगर को बहुत मारती है, और बाद में लायर के आइडियल मार्क हैंडसन की फोटो दिखाती है। लायर उनको भगवान की तरह मानता था। तब बालामणि बताती है अगर उसको उनकी तरह बनना होगा तो उसको तान्या को छोड़ना होगा और अपनी चैंपियनशिप में फुल फोकस करना होगा। तभी उसको तान्या का कॉल आता है। तब लायर फोन को स्पीकर पर करके तान्या से बात करता है, जहाँ पर तान्या बताती है कि कल उसका बर्थडे है और वो चाहती है कि लायर वहाँ आकर उसको भगा ले जाए। ये सुनने के बाद बालामणि तान्या पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि उन्होंने लाइगर को चाय बेचकर बड़ा किया है। जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसका चैंपियनशिप से ध्यान हट गया है। तान्या कॉल कट कर देती है और बालामणि लाइगर से वहां जाने के लिए मना करती है, लेकिन लाइगर नहीं मानता है और वो तान्या को भगा ले जाता है, जिससे तान्या काफी खुश रहती है। तभी वहां पर संजू और उसके आदमी वहां आकर लाइगर को मारने लगते हैं। संजू तान्या से कहता है कि वो इस हकलावे से प्यार करती है। ये सुनने के बाद तान्या कहती है कि उसको नहीं पता है कि लाइगर हकलाता है। तब लाइगर कहता है कि उसने क्लब में सारी बात बताई थी, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तान्या कहती है कि उस दिन उसने ड्रिंक कर ली थी और वो नहीं चाहती है कि उसके बच्चे जब हों तो वो हकलाए नहीं। ये सब कहकर तान्या वहां से चली जाती है। लाइगर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि तान्या ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए वो फुल मोटिवेशन के साथ अपनी चैंपियनशिप की तैयारी करता है और अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करके रिंग में उतरता है और सबसे फाइट करके नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फाइट संजू से होने वाली थी। तान्या वहाँ यूएस में लास्ट मैनेगर में थी और लाइगर से कहती है कि आज तो उसका भाई लाइगर की छुट्टी कर देगा। लाइगर गुस्से में आकर संजू से फाइट करता है। इस तरह वो नेशनल चैंपियनशिप जीत जाता है। इन सब से बालामणि काफी खुश रहती हैं। इस तरफ लाइगर के फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है, सब लोग लाइगर के साथ फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद लाइगर मीडिया के सामने कहता है कि वो अब इंटरनेशनल चैंपियनशिप में फाइट करेगा और इंडिया का नाम रोशन करेगा, इसलिए क्रिस्टोफर मास्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास जाते हैं ताकि लाइगर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इस तरफ क्रिस्टोफर मास्टर और लाइगर की परेशानी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनको 20 लाख रुपए की जरूरत थी और 2 दिन बाद इंटरनेशनल यूएफसी के रजिस्ट्रेशन होने वाले होते हैं। वो लोग परेशान होकर सोचते हैं। तभी वहाँ पर अली भाई आ जाता है और उनको बोलता है कि वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि उनका पांडे भाई यूएस वेनेगर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस तरह वो पांडे भाई को वीडियो कॉल करके उनसे बात करवाता है, जहाँ पर वो लाइगर को स्पॉन्सर कर लेता है और उन सबको अपने प्राइवेट जेट में भेजकर यूएस बुलाता है। इस तरफ लाइगर का फर्स्ट मैच डेनर बिल के साथ रहता है। लाइगर डेनर बिल को लॉक कर देता है। इस तरह लाइगर सभी फाइटर को हरा देता है। सब लोग काफी खुश रहते हैं। तब बालामणि लाइगर को कॉल करके बताती हैं, जब कोई उसके सामने उससे ज्यादा ताकतवर आदमी उससे लड़ेगा तो समझ जाना कि वो तुम्हारे पिता का कातिल है और उसको मारने के लिए तुम्हारे पास अपने आप ताकत आ जाएगी। फाइनल में पहुंचने की खुशी में पांडे एक पार्टी रखता है और अपनी बेटी को लाइगर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे देखकर लाइगर शॉक हो जाता है। तभी वहां तान्या आती है और लाइगर के सक्सेस होने का सीक्रेट पूछती है। तब लाइगर बताता है कि एक चुड़ैल थी जिसने उससे धोखा दिया, जिसकी वजह से वो आज यहां तक पहुंचा है। इस तरह तान्या लाइगर को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग तान्या का किडनैप कर लेते हैं। लाइगर तान्या को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता है और फिर सारी बात पांडे से बताता है। तब पांडे उसे बताता है कि उसने यहाँ के एक डॉन से पैसे लोन लिए थे, जिसे वो अभी तक दे नहीं पाया, इसलिए उन्होंने तान्या का किडनैप कर लिया और वो पांडे को सारा पैसा एक जगह लाने के लिए कहते हैं। तब लाइगर वहां जाने के लिए कहता है। उधर कुछ बहुत खूबसूरत लड़कियां लाइगर को देखता है, पर लाइगर को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो लड़कियां लाइगर को बहुत बुरी तरह मारने लगती हैं। लाइगर उन लोगों को नहीं मारता है क्योंकि वो लोग काफी अच्छी फाइटर रहती हैं। लाइगर वहां से वापस पांडे के पास आता है, जहां पर पांडे बताता है कि तान्या उसे बहुत प्यार करती है। जब बालामणि ने उसे डांटा था तब उसे एहसास हुआ कि वो तुम्हारे चैंपियनशिप के रास्ते में आ रही है, इसलिए उसने तुम्हारा जानबूझ के दिल तोड़ा और यूएस आने का आइडिया तान्या का ही था। ये सब सुनने के बाद लाइगर तान्या को बचाने के लिए उसी जगह जाता है, जहां उसे एक लड़की से पता चलता है कि तान्या अभी सैंड वैली में है। लाइगर वहां पहुंचता है तो वो शॉक रहता है, क्योंकि उसके सामने उसके आइडियल मार्क हैंडसन थे और उसने तान्या को किडनैप कर लिया था। लाइगर उनसे तान्या को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, जहां तान्या मार्क हैंडसन से कहती है कि वो कह रहा है कि अगर उसके अंदर दम है तो उससे फाइट करे
और आज ही लाइगर का फाइनल मैच था, इसलिए उन दोनों की फाइट टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर दी जाती है, जहां पर लाइगर मार्क हेंडरसन से काफी मार खा रहा होता है। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि जब उसके सामने कोई ज्यादा ताकतवर आदमी आ जाए तो समझ आना वो उसका फादर का कातिल है। तब लाइगर गुस्से में आकर मार्क हेंडरसन से फाइट करता है, जिसमें मार्क हेंडरसन हार जाते हैं और वो लाइगर से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उसके साथ एक फोटो लेते हैं। इस तरह लाइगर तान्या को वहां से ले जाता है और लाइगर उस फोटो को अपने घर की दीवार पर लगाता है। इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।